छात्रों, नवीं कक्षा हम आज उस कविता को पढ़ेंगे जो आप मुझे निकाल कर देंगे। तो चलें, क्या आप तैयार हैं इसके लिए? तो प्रिय छात्रों, आपसे मेरा प्रश्न है, आप मुझे बताइए कि हम साल भर में, वर्ष भर में स्कूलों में कितने प्रोग्राम मनाते हैं और कौन कौन से प्रोग्राम मनाते हैं? अच्छा, आप बताइए। अच्छा, तुम बता रहे हो। अच्छा, हम 26 जनवरी मनाते हैं, शाबाश। अच्छा, 15 अगस्त भी मनाते हैं, ओके, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, महाराष्ट्र डे भी मनाते हैं हम। तीनों के उत्तर जो हैं वो अपनी जगह सही है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि 26 जनवरी को हम स्कूल में जो प्रोग्राम मनाते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं और प्रोग्राम कैसे मनाते हैं, आप बताइए। अच्छा, झंडे को सलामी देते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन अंदाज में आपने कहा झंडे को सलामी देते हैं, और झंडा गीत गाते हैं, बराबर, आप भी बराबर कह रहे हैं। तो आइए छात्रों, हम झंडा सदा ऊंचा रहे इस कविता को पढ़ेंगे। झंडा सदा ऊंचा रहेगा इस कविता को हम पढ़ेंगे। प्रस्तुत कविता रामदयाल पांडे जी ने हमारे लिए लिखा है, और इस झंडा सदा ऊंचा रहेगा इस कविता को, जो बलिदानों को इस कविता में याद किया गया है, जो हमारे भारतीय वीरों को और उनकी बलिदानों को इस कविता के द्वारे हमारे सामने जो लाया गया है, रामदयाल पांडे जी ने जो लाया है, तो हम उससे प्रेरणा लेते हैं और अपने वीरों को याद करते हैं, और उन्होंने अपनी जानों की कुर्बानियां देकर उन्होंने इस झंडे को ऊंचा रखा है। तो हम भी यही कहेंगे कि झंडा सदा ऊंचा रहे हमारा, इस कविता को हम पढ़ेंगे और उससे हम प्रेरणा लेंगे। तो प्यारे छात्रों, देखिए किताबों में